गुड इवनिंग, आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग ठीक होंगे और मैं आप सबको वेलकम करती हूँ मेरे ब्लॉग चैनल। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं की ओर और आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा और हो रही है। ठीक है दोस्तों, हम लोग स्टेशन में आ चुके हैं और अभी स्टेशन में वेट कर रहे हैं ट्रेन को, अभी तक आया नहीं है, आएगा कुछ देर के बाद। तो ठीक है दोस्तों, अभी बज रहा है 7:30 और 7:30 का ही टाइम है, कुछ देर के बाद ही पहुँचने वाला है। ठीक है, और हम लोग जा रहे हैं ट्रेन का, तो ट्रेन का नाम है तपस्वी और हम लोग का भी वही तपस्वी में जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी सुबह 6 बजे पहुंचेंगे, 6:30 बजे इसका टाइम है, लेकिन टाइम इधर उधर भी हो सकता है, तो देखते हैं कितना टाइम में पहुंचते हैं। तो अभी स्टेशन में तो वेट कर रहे हैं, अभी तक आया नहीं है। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग का ट्रेन आ चुका और हम लोग का भी ट्रेन में बैठे हैं और ऐश्वर्य का भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रहे हैं और उन लोग को अभी सोने का मन हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। तो ठीक है, कल सुबह ही पहुंचेंगे हम लोग को, 6:30-7 बजे का टाइम है, लेकिन कितना बज रहा है देखते हैं। तो ठीक है, आप लोग कंटिन्यू ऐसे वीडियो में बने रहिएगा और सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगी पूरी बीच का ही। ठीक है, आप लोग बने रहिए। तो दोस्तों, हम लोग पूरी स्टेशन पहुँच चुके हैं, अभी ट्रेन से उतर गए हैं और इधर ट्रेन से फिर बाहर निकल गए, इधर बस स्टॉप है और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं और अभी होटल में रुके हुए हैं और होटल भी हमको मिल गया और यहाँ का टेम्पू वाला ऑटो वाला उन लोग हमेशा तैयार में रहते हैं, आप लोग को कहाँ रहना है कैसे करना है उन लोग हर स्टेज में मदद करते हैं और उन लोग हमको एक अच्छी जगह में लेके आए और अच्छे रेंट में लेके वहाँ मिल भी गया रूम भी और क्या है, अभी थोड़ा रेडी होकर फ्रेश होकर फिर निकलेंगे बीच के लिए और वहाँ जाके थोड़ा इंजॉय करेंगे, फिर रिटर्न फिर सोचेंगे फिर नेक्स्ट कहाँ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए, चिल्का भी सोचे हैं और ये तो पूरी का तो बीच जाना ही जाना है और दूसरे जगह में भी जाके घूम के आएंगे। तो ठीक है, आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, आज का वीडियो और यार जो वीडियो मैं बना रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम लोग फिर नाश्ता करने के लिए बैठे हैं और ये देखिए छोला भटूरा, कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? हाँ ठीक है, हम लोग नाश्ता करेंगे ना। बस दोस्तों, फाइनली हम लोग बीच पहुंच गए हैं, समुद्र के बीच, और जो हम लोग होटल लिए हैं वो जस्ट समुद्र के सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, वहां से हम लोग चल के ही आ रहे हैं और यहां से बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही सामने है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग अभी बीच थोड़ा आ रहे हैं और यहां का मज़ा उठा रहे हैं। ठीक है, आप लोग को दिखाते हैं, ये देखिए ये सब जो दिखाई दे रहा है ये सारे होटल हैं, हम लोग इसी ये सामने में दिखाई दे रहा है येलो कलर के, वही होटल में रुके हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी जब भी आइएगा और टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटो वाले सीधे इधर ही लेके आ जाएंगे और आप लोग को एक से एक होटल मिल जाएगा यहाँ रुकने के लिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग बने रहे वीडियो में, इधर दिखाती हूँ मैं। हाथ पकड़ के ले जाऊंगा, आया करके देखी ना, नमक है सेल्फी क्यों नहीं गिरेगी? आपका पाँव को ढक देंगे।
ये वहाँ पानी खा लिया। चलो पानी पी लिया, नमक पानी है। देखिए दोस्तों, समुद्र के बीच में खड़ी हूँ और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और पहले बार समुद्र का पानी और नमकीन वाला पानी, बहुत ही यहाँ अच्छे से खेल रहे हैं सब लोग और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। कैसे लहर जो आ रहा है वो देखिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा लग रहा है। समुद्र को तो हम टीवी में देखे थे, वो आज आके सामने में महसूस कर पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए जाइए, दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये मछली का पोटली है। ये मछुआरे देखिए मछली ले गए और